नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। बेंगलुरु हिजाब विवाद के बाद अब भारत के कई इलाकों में इसका विरोध होना शुरू हो गया है, हालांकि मामला अभी कोर्ट में है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को अररिया के चांदनी चौक पर हिजाब पहनने के समर्थन में कई सामाजिक संस्था के लोग, खासकर महिलाओं ने जमा होकर प्रदर्शन किया। विभिन्न संगठनों के महिला एवं पुरुष सैकड़ों की संख्या में बर्मा सेल से पैदल मार्च निकालकर अररिया के चांदनी चौक पर जमा होकर हिजाब के समर्थन में आवाज बुलंद की। सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में किताब भी एवं हिजाब भी का पोस्टर बैनर लिए जमा हुए थे। मौके पर मौजूद कई लड़कियों ने हिजाब के समर्थन में मीडिया को बताया कि हम लोग अपनी मर्जी से हिजाब पहनते हैं, हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। हिजाब हमारी शान है और हमें अदालत पे पूरा भरोसा है कि अदालत संविधान के हिसाब से फैसला देगी। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मासूम रेजा, फैसल जावेद यासीन, सबा परवीन, लवली नवाब, डॉक्टर एसआर झा सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष मौजूद थे। सिख ईसाई हम लोग मिलकर रहते हैं और गंगा जमनी तहजीब को भी हम मानते हैं, तो हमारा कुरान कहता है कि हमको जिस तरह से जीना है और हम उस तरह जिएंगे, और हमारा गीता कहता है, हमारा रामायण कहता है, हमारा बाइबिल कहता है कि किस तरह से हमको अपने देश में, अपने धर्म में के बीच में हम लोग को रहना है। तो हमारा कुरान कहता है कि आप हिजाब में रहें, आप हिजाब में रहें। और देखिए, एक मुस्लिम की औरत को भी सर पे आंचल होता है, एक हमारी हिंदू बहनें भी सर पे आंचल लेती हैं, एक ईसाई बहनें भी हमारी आंचल लेती हैं, एक सिख बहनें भी हमारी आंचल सर पे लेती हैं। तो हम लोगों को इस तरह हिजाब लेने से क्यों रोका जा रहा है? मैं सरकार से पूछती हूँ और मैं हाई कोर्ट के फैसले का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और मुझे उस कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि हम लोग का जो राइट है उसको कभी ये लोग जो है खत्म नहीं होने देंगे। हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा राइट्स है उसको न छीना जाए, जिसको जैसे मन है, जो अपना अपना ड्रेस पहनते हैं, किसी पे किसी का रोक नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब हम लोग हिजाब करते हैं, हमारी माँ बहनें हिजाब करती हैं, उस पर भद्दा कॉमेंट ना हो, क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ हैं। तो सबको अपना 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 फ्रीडम है, जो चाहे वो पहन सकते हैं। तो हमारे हिजाब और नकाब पे भद्दा कॉमेंट क्यों? ये तो एक क्वेश्चन है ना कि क्यों। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा भद्दा कॉमेंट ना हो। जब मैं साइन बाग में थी वहाँ पे भी प्रोटेस्ट करती थी, बहुत माँ बहनें प्रोटेस्ट करती थी वहाँ पे, सब हिजाब पहन के, तो बहुत भद्दे कॉमेंट होते थे। तो मैं चाहती हूँ, मैं हाई कोर्ट का इंतज़ार कर रही हूँ, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा वो हम लोगों के हक में आएगा, और मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ। हिजाब जो है वो हमारी पहचान है, वो हमारी पहचान है, उसको हम कैसे हटाएंगे? ये एसएस वाले के विरोध जो प्रदर्शन कर रहा है हिजाब है ना, वो तो मेरा पहनावा है ना, उसको तो हम ये करेंगे। पर्दगी तो नहीं रह सकते ना, वो तो हम लोग को पर्दे की चीज है ना, वो पर्दे में रह सकते ना। इतने जो हो रहा है तो हिजाब के लिए रुकावट नहीं करना, अच्छी बात नहीं है। ये हम लोगों का पर्दे की चीज है, अगर रोक लगाना तो दरिंदों लोगों को रोक लगाए ना, कि इतना जो आए दिन हो रहा है कांड, वो सब पे रोक नहीं लग रहा। मगर हम लड़कियों लोगों को, औरत लोगों को बेपर्दगी के लिए क्यों रोक लग रहा है? देखिए, हर कीमती चीज जो है वो पर्दे ही में अच्छी लगती है, बेपर्दे अच्छी लगती है। कूड़े नहीं, हम लोग कूड़े दान नहीं जो कचरे में डाल नजर आएंगे, समझे? क्या चाहते हैं? इसलिए हम लोगों को बेपर्दे आगे घुमाना चाहते हैं। सरकार से ये अपील है कि हम लोगों को जैसे पर्दे में रहते पर्दे ही में रहने दे, यही हम लोगों की अपील है सरकार से। हिजाब हमारा गुरूर है, हिजाब हमारी शान है, हिजाब हमारा हक है, और हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। हक के लिए हम लोग लड़ेंगे, हमारा हक कोई नहीं छीन सकता। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? अररिया कॉलेज। हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब हमारी गुरूर है, हम हिजाब नहीं खोलेंगे, कौन क्या कर लेगा देखा जाएगा। क्या प्रोटेस्ट जो आप लोग कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। जो धर्म के हिसाब से, जो धर्म में हमारा फॉलो करने के लिए कहा जाता है वो फॉलो किया जाएगा। अब अनुच्छेद 25 के तहत आपको स्वतंत्रता दी जाती है कि आप या तो पर्दे में भी रह सकते हैं, मतलब अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, या तो फिर आप पर्दे में रहें। जो नहीं रह सकती है उनको हम अप्रोच भी नहीं कर सकते हैं कि आप पर्दे में रहें, और जो रह रही हैं उनको हम ये भी नहीं कर सकते कि आप पर्दे में नहीं रहें। तो इस चीज़ के लिए हम लोग आज सारे महिलाओं को लेकर आवाज़ उठाए हैं, ये स्टूडेंट यूनियन को लेकर आवाज़ उठाए हैं। ये आज कर्नाटक का मुद्दा है, कल बिहार का मुद्दा होगा, पर कल हिंदुस्तान के कोने कोने का ये मुद्दा होगा। आज ही नहीं, हमें हमेशा से सताया जा रहा है,
और इसके लिए आवाज हम सब उठाए हैं। हम सबका एक ही नारा है, हमें हमारा इंसाफ चाहिए, हक चाहिए, और हक के लड़ने के लिए हम तैयार हैं, चाहे हमें जिस चीज का सामना करना पड़े हम सामना करेंगे। मेरा नाम नाजिस रजा है। ये स्वतंत्र भारत में सबका अपना अपना अधिकार है, हम किसी के धर्म के बारे में नहीं बोल सकते हैं, उंगलियां नहीं उठा सकते हैं। ये हमारी माँ बहनों का जहाँ तक बात आया, जो मुस्कान ने अकेले कर दिखाई है वो काबिले तारीफ है, और हम तमाम हिंदुस्तान के अपने कौम के माँ बहनों को दिल से सलाम करना चाहते हैं, जो आज इस छोटी सी बातों को इतना दूर तक पहुँचाया। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से आज हिजाब के प्रोटेस्ट के मामले में हमारे सीमांचल में भी बिगुल छिड़ चुका है। किशनगंज में कल बिगुल हिजाब वाला बिगुल छिड़ा, आज अररिया में हम लोगों ने, हमारी माँ बहनों ने साथ दिया और इस अंजाम तक पहुँचाया। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम अपनी सरकार से कि और अपने कोर्ट की फैसलों पे, जो भी फैसला कोर्ट करेगा, अदालत जो भी फैसला दे, हमारी माँ बहनों के हक में दे। और प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिजाब को लेकर के, क्या संदेश है सरकार से? देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझ लेने की ज़रूरत है कि भारत में हम लोगों को राइट टू चॉइस है, हम क्या पहनना चाहते हैं क्या नहीं पहनना चाहते हैं इसका हमारे पास अधिकार। अगर कोई हिजाब पहनना चाहे तो वो पहन सकता है, किसी को मजबूरन हिजाब पहनाया नहीं जा रहा है, लेकिन अगर कोई औरत हिजाब पहनना चाहती है तो वो उसका अधिकार है कि वो हिजाब पहन सकती है। और किसी को हमारा संविधान ये अधिकार नहीं देता है कि उसके कपड़े पर टिप्पणी की जाए, जबकि हम देखते हैं कि देश के शीर्ष नेता भी कहते हैं कि उन्हें आप कपड़ों से पहचान सकते हैं, लेकिन हमारे देश में किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी के कपड़े पर हम टिप्पणी करें। जिस तरह से कर्नाटक के अंदर में हिजाब पहनी हुई लड़कियों पर टिप्पणियाँ की जा रही हैं, उन्हें खास स्कूल में जाने से रोका जा रहा है, ये सरासर गलत है और इसी के खिलाफ हम आज विरोध कर रहे हैं। नाम आपका? मेरा नाम मुजम्मिल जमाल। नाम अतुफा नसीम है। मैं हिजाब के बारे में बस कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी कि पर्दा करने वाली लड़कियाँ किसी सल्तनत की नहीं बल्कि इस्लाम की शहजादियाँ कहलाती है। हमें पर्दा पहनने का पूरा अधिकार है, तो इस पर कोई रोक नहीं लगा सकते। हमें अपने कानून पर पूरा यकीन है कि ये कानून जो है वो हमारी माँ बहनों, हम सब पर, औरतों पर एक सही फैसला सुनाएंगे। धन्यवाद। आज हिजाब को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या संदेश है सरकार? सरकार के साफ संदों में एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं, जो भारत के संविधान में मुझे 25 आर्टिकल के तहत जो मुझे अधिकार दिया गया उसका हनन नहीं हो, और मुझे हर तरह का अधिकार है संविधान के तरफ, उस संविधान के तहत हम लोग जीना चाहते हैं। किसी के, चाहे वो किसी भी मजहब को हो, खाना पीना, रहन सहन, कपड़ा लत्ता, हर चीज़ का एक संविधान में दायरे में है, इसलिए उस दायरे के तहत जो लोग भी ऐसे कर रहे हैं तो उस पर सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ता करके भविष्य में किसी इस तरह प्रकार कोई अवतर्व नहीं हो। एक्चुअली ये संदेश यहाँ की माँ बहन देना चाह रही थी कि हमें मजबूरन हिजाब नहीं पहनना, हम अपने शौक से हिजाब पहनते हैं, और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इसे मजबूरी पे हिजाब पहन रही है वो गलत है। और यहाँ तक उन्होंने साबित किया कि यहाँ की महिलाएं ये साबित करने को तैयार है कि हम हिजाब अपने शौक से पहनते हैं, और इसके लिए हमें प्रोटेस्ट क्यों ना करना पड़े, वो करने को तैयार है। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिजाब के मुद्दे पे, क्या संदेश है सरकार को और क्या मांगे हैं आप लोगों की? सरकार इसको वेलकम कर रही है, इस तरह का नौजवानों का जो समस्याओं से मुद्दों से उनका दिमागी सोच जो है वो अलग हट जाए, वो इसको प्रमोट करना चाहती है। इसीलिए सरकारी गुर्गे जितने हैं, आरएसएस के जितने लोग हैं, वो इसको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो उसकी बुलावट है। हम लोग भी इसलिए आए हैं इस जुलूस में कि हम कहना चाहते हैं कि वो लोग जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान के चहदी में रहता है, उसको पहली शर्त सेकुलरिज्म को लाना पड़ेगा। और सेकुलरिज्म का मतलब कभी नहीं है कि दूसरे के धार्मिक चिन्हों को मिटा दो, दूसरे के धार्मिक सोच को मिटा दो, वो इसी
सेकुलर स्टेट में रहकर इसका बढ़ावा, इस पर सोच कर सकते हैं। सिखों को तो पगड़ी हर जगह अलाउड है, ईसाइयों को भी वैसे ही है। तो ये खाली मुस्लिम के लिए हिजाब का अगर पहनती हैं लड़कियां कॉलेज में खासकर, तो इसमें क्यों इसको हिचक हो रही है? सरकार बोलो इसका विरोध करवा रही है। सरकार इस पर, अपने काबिल प्राइम मिनिस्टर महोदय इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो आप सरकार को दोषी मानते हैं इसका? सरकार इसको कर रहा, दोष तो सबका है। जो इसको धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कर रहे हैं सबका है। अगर सरकार उस लहजे में आ रही है तो सरकार का दोष है, अगर उस लहजे में मैं आ रहा हूँ तो मेरा दोष है।